सर, इस विधानसभा चुनाव में बहुत आपराधिक टिकट बांटा गया है बहुत पार्टियों के द्वारा, आपका इस पर क्या टिप्पणी है? सर, ये अपराधी की बदौलत ये लोग फैक्ट्री पहले ही समाप्त कर चुके हैं, पूरा बिहार की बच्ची और बेटी घर में है, अब जमीन पहले ही सबका कब्जा करवा चुके, घर कब्जा करवा चुके, व्यापारियों का पलायन हो चुका है, एनसीआर की रिपोर्ट में बलात्कार और नंबर वन पर बिहार है। एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी जिसमें जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी सबसे ऊपर है 2019 में रहा है, सरकार की इसमें क्या प्रतिक्रिया रही है? सबसे ऊपर है, अपराध में सबसे ऊपर है, दोनों भाई मिल करके बिहार को दुनिया का नंबर निचले पोदान पे ला ही दिया है, अब अपराधी माफियाओं के बदौलत ये बिहार दोनों बदलेंगे ये तो जनता तय करे। आखिरी सवाल, मंजू वर्मा को चेरिया विधान बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है, उन पे बहुत सारे मामले दर्ज हैं, सरकार ने फिर भी टिकट दिया। वो नीतीश कुमार जी का फितरत है, लालू यादव का, जब तक ये जमीन माफिया, बालू माफिया, करोड़पति अरबपति को खरमास में बिहा करा करके भी नीतीश कुमार टिकट देते हैं, अजय सिंह की पत्नी को और बेगर 47-56 वाले के बगैर ये लोग जी ही नहीं सकते हैं, ये आप लिख लीजिए, दोनों की फितरत है। इसमें टॉप मोस्ट हैं लालू यादव परिवार, वो टिकट भी बांटेंगे पैसे लेकर के, और टिकट जिसको देंगे, जो अरबपति खरबपति है उसी को देंगे, ताकि उनका ज़मीन लिखाया जा सके, सब कराया जा सके, तो दोनों की को जनता देख रही है, आप चिंता मत करें। पप्पू यादव घोषणा पत्र में क्या शामिल है कि इन सब चीज़ों के प्रति? सर, सब कुछ, 3 साल मैं, 30 साल बनाम 3 साल है, तो 30 साल बनाम 3 साल, पप्पू यादव जी ये कह रहे हैं 3 साल हमें मौका दीजिए, 3 साल में पूरा रोड मैप तैयार है और उसमें जो है विकास का कार्यक्रम कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें फिक्स हैं। तो तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया उनका, और हमारे साथ देखते रहिए आप नेशन 24। मैं अभिषेक कुमार, धन्यवाद।